दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करूंगा बेसियन ग्लोबल एआई सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि मार्केट में एक नया ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया हुआ है। दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट को देख लिए, समझ लिए दिल से, तो यहां से आपका लाइफ चेंज होने वाला है। तो बाकी दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी का वेब 3 लैंडस्केप एंड गोडे इकोसिस्टम। दोस्तों बेसियन का जो गोडे इकोसिस्टम है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी का खुद का मेटा गोड के नाम से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जो कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और iOS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी का खुद का कॉइन होम के नाम से एक्सचेंज है, जिस प्रकार से आप बाइनेंस को यूज कर सकते हैं, वहाँ पर भी जा कर के आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कंपनी का खुद का मेटा चैट एप्लीकेशन है, जिस प्रकार से आप और हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन को चाइना और अमेरिका जैसे देशों में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। कंपनी का और बेसियन प्रोजेक्ट है दोस्तों, और कंपनी का गोडे चेन है, जो कि 2019 से ही मार्केट में रन कर रहा है। और गोडे चेन, गोडे ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों आदर्श बड़ी बड़ी कंपनियों के 206 प्रोजेक्ट्स लाइव चल रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और जैसे कि बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट, क्रिप्टो प्रोजेक्ट, गेमिंग प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे जो 206 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं कंपनी के इस गोडे चेन पे लाइव चल रहे हैं। कंपनी का खुद का 9 प्रोजेक्ट गोडे चेन पर लाइव हैं दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर सुपर कंप्यूटर्स यूज फॉर, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स क्या है, इसका कहाँ पर यूज किया जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स वो चीज़ है कि जैसे कि कठिन से कठिन, जटिल से जटिल चीज़ों को हिसाब करना और अति सूक्ष्म में चीज़ों का गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, मोलिकुलर मॉडलिंग के लिए, फिजिकल सिमुलेशंस के लिए, एरोडायनामिक्स के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, मेडिकल रिसर्च के लिए, नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स के लिए और क्रिप्टो एनालिसिस के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द बूम ऑफ सुपर कंप्यूटेशन, यानी कि ये जो समय है दोस्तों, और आने वाले समय में सुपर कंप्यूटेशन का ही मार्केट के अंदर में बूम मचने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर कोई इंसान जो है किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी चाहता है और फास्ट चाहता है, तो सुपर कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि किसी भी काम को फास्ट करता है। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्ट का आप लोग बेसियन का प्रोजेक्ट बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो वेबसाइट है www.bias.global, इस पे जा कर के कंपनी के सारा जानकारी आप लोग इस साइट पे विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कंपनी का दोस्तों जो कैलिफोर्निया का जो हेड ऑफिस है, ठीक है, उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कंपनी का जो मदर्स कंपनी है IDEAS कंपनी, उसका यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है www.joinideas.org, जो कि USA में है इसका IDEAS मदर कंपनी, इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। कंपनी का दोस्तों जो गोडे फाउंडेशन है, जिसका गोडे चेन है, उसका भी यहाँ पर साइट दिया हुआ है www.godechain.com, जो कि मार्केट के अंदर में 2019 से ही रन कर रहा है, इसके ऊपर भी आप जा कर के रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। बाकी बायज एंड गोडे कंपनी बैकग्राउंड, यानी कि बायज टोकन और गोडे जो कंपनी है, इसका बैकग्राउंड यहां पर दिया हुआ है। कंपनी का जो पहला हेड ऑफिस है दोस्तों, वो अमेरिका USA में है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों, कि कोई भी MLM या इंडस्ट्री में अमेरिका में मतलब हेड ऑफिस होना छोटी मोटी बात नहीं है। और दूसरा जो हेड ऑफिस है थाईलैंड में है दोस्तों, बैंकॉक में। और इसका जो अपना बायज टोकन का जो ICP डाटा सेंटर है तीन देशों में, पहला जो सुपर कंप्यूटिंग डाटा सेंटर है दोस्तों लॉस एंजेलिस USA अमेरिका में है, और दूसरा जो है हाइनान चाइना में है, तीसरा बैंकॉक थाईलैंड में है। इसी प्रकार से इन तीन देशों में कंपनी का सुपर कंप्यूटिंग डाटा सेंटर में है। इसी प्रकार से अभी बहुत सारे देशों में इनका सुपर कंप्यूटेशन जो है डाटा सर्वर सेंटर खुलने वाला है। बाकी दोस्तों कंपनी पहले 2019 से जो है B2B बिजनेस टू बिजनेस में अपना सारा डील करती थी, ठीक है, बड़ी बड़ी IT कंपनियों के डाटा प्रोवाइड करवाते थे।
बाकी कंपनी का abaij.com यहाँ पर दिया हुआ है, इस साइट पे भी आप जा करके कंपनी का बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल है उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है B2B एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर AI मॉडलिंग बिजनेस सॉल्यूशन, कंपनी का जो AI मॉडल बिजनेस है उसका भी साइट यहाँ पर दिया हुआ है baij.io, इस पे भी जा करके आप रिसर्च कर सकते हैं साथियों। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो सुपर कंप्यूटिंग डाटा सेंटर है दोस्तों लॉस एंजेलिस USA अमेरिका में, जो कि 7000 स्क्वायर मीटर्स में है, उसका यहाँ पर आप लोग फोटो पिक्स देख सकते हैं, इसका वीडियो भी आया हुआ है वो भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। बाकी हाइनान चाइना का जो सुपर कंप्यूटेशन जो सेंटर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी कंपनी दोस्तों बाइज B2B अचीवमेंट्स जो यहाँ पर हुआ है, कंपनी का जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी कंपनी का जो बाइज टेक्नोलॉजी का जो इवेंट्स है उसका यहाँ पर पिक्स दिया हुआ है। कंपनी का जो आर्किटेक्ट हैं आमिर सर उनका यहाँ पर पिक्स दिया हुआ है। बाकी इवेंट का ये सब फोटोज है दोस्तों। बाकी यहाँ पर बाय टोकन का इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं कि अपना जो बाय टोकन है दोस्तों, कंपनी का जो कोइन W एक्सचेंज है उस पर लिस्टेड है, कोइन होम एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, कंपनी का जो दूसरा एक्सचेंज है, कंपनी का बाय टोकन का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, बाय डिस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ कंपनी का जो बाय टोकन का टोटल सप्लाई है दोस्तों 3.14 बिलियन है, जो कि हर एक साल हर एक ईयर जो है 10% का बर्न होगा, और जो फाइनल मार्केट सप्लाई होगा 314 मिलियन का है दोस्तों, जिसमें से 70% माइनिंग आप और हम सबको मिलने वाला है दोस्तों। बाकी इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अपने कंपनी का बायसियन का जो की आर्किटेक्ट्स हैं, बायस एंड गोडे फाउंडेशन का जो पहला है प्रोफेसर डॉक्टर चैड पाइपर जो कि USA से हैं, दूसरा है प्रोफेसर डॉक्टर जेसन गर्ग ये भी USA से हैं, और तीसरा है प्रोफेसर डॉक्टर अमीर जबरजा दे ये भी USA अमेरिका के रहने वाले हैं दोस्तों। इन लोगों के बारे में आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो इन लोगों का गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इन लोग का प्रोफाइल आपको दिख जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक रियल AI टेक्नोलॉजी के ऊपर ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे बाइज B2C बिजनेस प्लान, कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान है, जो कि अभी जस्ट एक महीना पहले स्टार्ट हुआ है और लोग अब इसमें काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हम बात करेंगे आगे इसका बिजनेस प्लान क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केटिंग मॉडल एडवांटेज यानी कि मार्केटिंग करने का जो फ़ायदा है, इजी टू अंडरस्टैंड मॉडल यानी कि यहाँ पर आसानी से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आप एनी टाइम कभी भी वीडियो लगा सकते हैं, ग्रेट एफिलिएट बेनिफिट्स एंड रैंकिंग रिवार्ड, यहाँ पर आप किसी को इन्वाइट करते हैं या जोड़ते हैं ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पर आप बढ़िया जो है यहाँ पर रैंकिंग रिवार्ड और टीम बेनिफिट आप कमा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो पैकेज है, एफिलिएट रिवार्ड्स हैं, यहाँ पर कंपनी का 5 पैकेजेस दिया हुआ है दोस्तों। पहला पैकेज है $10 का, $10 से यदि आप अपने आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आपको डेली तो 1% आपको रिटर्न मिलेगा, बट यहाँ पे आपको टीम बेनिफिट नहीं मिलेगा। टीम बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम आपका $100 से आईडी होना चाहिए। दूसरा पैकेज है $100, तीसरा पैकेज है $500 का, चौथा पैकेज है $1000 का, और पाँचवा पैकेज है दोस्तों $5000 का। आप अपने बजट के अनुसार से आप यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल माइनिंग अर्निंग डेली 1% अर्निंग पेड इन बाइस कॉइंस, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको 1% डेली बाइस कॉइंस के रूप में आपको रिटर्न मिलेगा। 3 times बेनिफिट, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 3 गुना आपको मिलेगा, चाहे आप लीडर हों चाहे आप इन्वेस्टर हों, 3 गुना आपको बेनिफिट मिलने के बाद में आपको फिर से इनकम लेने के लिए आपके आईडी पर आपको फिर से री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फास्टर रेट ऑफ रिटर्न विथ एफिलिएट नेटवर्क, यानी कि आपको यहां पर फास्ट इनकम आपको मिलने वाला है एफिलिएट यानी कि टीम बनाने पर, और यदि आप यहां पे टीम बनाते हैं तो आपके फर्स्ट लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके प्रॉफिट का आपको 20% डेली इनकम मिलेगा बाय टोकन के रूप में, और सेकेंड लेवल से आपको डेली 5% डेली आपको इनकम आने वाला है दोस्तों। बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे रैंकिंग रिवार्ड्स और पूल शेयरिंग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
बाकी हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कंपनी का जो यहाँ पे 6 रैंक है A1 से लेकर के A6 तक, ठीक है। पहला रैंक है दोस्तों A1, यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने लिखा हुआ है कि डेली बाय पे आउट 50%, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर में जो भी पे आउट जाएगा उसका 50% कंपनी पूल शेयरिंग में इकट्ठा करती है, और वो 50% जो है सभी A1 रैंक से लेकर के A6 रैंक में बांटती है दोस्तों डेली के रूप में, ठीक है। बाकी A1 रैंक अचीव करने के लिए आपके स्मॉलर लेग में, स्मॉल ग्रुप में $15,000 का बिजनेस होना चाहिए। स्मॉल ग्रुप का मतलब जैसे कि एग्जांपल फॉर आपका 5 लेग है, तो एक लेग मान लेता हूँ जिसमें ज़्यादा बिजनेस होगा वो आपका पावर लेग यानी कि स्ट्रांग लेग होगा। जैसे कि 5 लेग में से एक लेग में मान लेते हैं $5,000 का बिजनेस है, बाकी बचा 4 लेग, 4 लेग में से फिर 3 लेग में आपका $4,000 का बिजनेस है, और बाकी जो बचा एक लेग में $3,000 का बिजनेस है। तो जो आपका $5,000 वाला जो आप लेग है वो बिजनेस काउंट नहीं होगा, वो आपका स्ट्रांग लेग यानी कि पावर लेग कहलाएगा। बाकी 4 लेग जो है, 4 लेग जी 3 लेग में $4,000, 4×3=$12,000, और 3,000 यानी कि $15,000 हो गया, बाकी 4 लेग में मिला के $15,000 का बिजनेस हो गया। तो वो चारों लेग आपका स्मॉलर लेग हो गया, तो आपका हो गया $15,000 का बिजनेस। तो स्मॉलर ग्रुप में आपके $15,000 का बिजनेस जैसे होता है तो A1 रैंक आपका अचीव हो जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है कि टीम रिवार्ड मिनिमम $25, ठीक है। लेकिन A1 रैंक पर आप A1 रैंक को आप अचीव कर लेते हैं तो डेली का पर डे का आप मिनिमम $30-$35 से लेकर के $50-$60 तक आराम से आपको डेली का अर्निंग होगा दोस्तों। क्योंकि अभी जिसका A1 रैंक अचीव हुआ है उनका डेली का पर डे का $50, $55, $60 सबका आ रहा है। बाकी नेक्स्ट A2 रैंक की बारे में बात करेंगे तो आपके नीचे अगर स्मॉलर लेग में $50,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपका A2 रैंक अचीव हो जाता है, और A2 रैंक के ऊपर दोस्तों पर डे का, डेली का आपको एक बढ़िया अर्निंग आने वाला है। यानी कि पर डे की बात करूँ तो मिनिमम $110 से लेकर के $150 या $160-$170 तक पर डे का अर्निंग मिनिमम आने वाला है दोस्तों, उससे प्लस ही जाएगा। बाकी आपके स्मॉलर लेग में अगर $150,000 का बिजनेस हो जाता है यानी कि $150,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपका A3 रैंक अचीव हो जाता है, और A3 रैंक यदि आप अचीव कर लेते हैं तो डेली का आपको $450 से लेकर के $700 तक आपको पर डे डेली इनकम आने वाला है दोस्तों। बाकी यहाँ पर यदि आपके स्मॉलर लेग में $500,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपका रैंक हो जाता है A4। आपके स्मॉलर ग्रुप में यानी कि आपका एक पावर लेग छोड़ करके बाकी सब लेग मिला करके $500,000 का बिजनेस हो जाता है तो A4 रैंक अचीव हो जाता है, और A4 रैंक अचीव होने पर दोस्तों आप पर डे का $700 से लेकर के $1500 तक आराम से यहाँ पर कमा सकते। बाकी इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्मॉलर ग्रुप में, स्मॉलर लेग में अगर यदि $15,00,000 का बिजनेस हो जाता है तो आप यहां पर कंपनी का A5 रैंक पर आप पहुंच जाते हैं, और A5 रैंक अचीव होते ही दोस्तों आप पर डे का आप $3,000 से लेकर के $6,000 तक आपको आराम से अर्निंग पर डे का डेली आपको आते रहेगा। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे A6 रैंक के बारे में। A6 रैंक यानी कि आपके नीचे यदि $50,00,000 का बिजनेस हो जाता है स्मॉलर ग्रुप में, यानी कि जो आपका एक स्ट्रॉन्ग लेग होगा उसको छोड़ करके बाकी स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर लेग का जितना ग्रुप होगा अगर $50,00,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपका रैंक होता है A6। A6 रैंक के ऊपर दोस्तों आपको पर डे का आप $8,000 से लेकर के $15,000 तक आपको पर डे अर्निंग आने वाला है दोस्तों। बाकी कंपनी ने यहाँ मार्केटिंग मॉडल बेनिफिट्स समरी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इस प्रकार से बिजनेस प्लान दोस्तों समाप्त होता है। बाकी आपको बिजनेस प्लान कैसा लगा दोस्तों अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और बाकी हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।